सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर समेत उत्तर बिहार के लोगों को वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर करने का सपना जल्द पूरा होने वाला है। समस्तीपुर डीएनएम ने इसका प्रस्ताव भेजा है। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेवाल अब इस पर मुहर लगाएंगे। उसके बाद रेलवे बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद वंदे भारत ट्रेन सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पाटलिपुत्र स्टेशन होते हुए नई दिल्ली के लिए चलाई जाएगी। इसके लिए सीतामढ़ी, जयनगर, दरभंगा, समस्तीपुर स्टेशन पर जांच कर ट्रायल लिया गया है। सीतामढ़ी से लेकर समस्तीपुर तक रेल के किनारे सारे अतिक्रमण को तेजी से खाली कराया जा रहा है, ताकि वंदे भारत ट्रेन चलाने के दौरान रास्ते में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं हो सके। ट्रायल होने की सूचना मिलने के बाद सीमावर्ती इलाके के लोगों को काफी खुशी है। आपको बता दें कि ये ट्रेन मात्र 6 घंटे में दिल्ली की यात्रा पूरी कराएगी। अभी दिल्ली जाने के लिए 22 से 24 घंटे ट्रेन में बिताना पड़ता है। सीतामढ़ी से यह ट्रेन चलने पर पर्यटन का बढ़ावा मिलेगा। इस ट्रेन के चलने से रामायण सर्किट से जुड़ाव भी होगा। सीतामढ़ी से आने वाले पर्यटक माता जानकी की जन्मभूमि से लेकर भगवान राम के ससुराल तक धार्मिक भ्रमण कर आनंदित होंगे। आपको बता दें कि रेलवे द्वारा देश भर में अगले साल 2024 तक लगभग 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की योजना है। दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय हिमालयन इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल।